से 9 ब्लॉकों में नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को यहां पर वर्चुअल मीटिंग के जरिए बुलाया गया। आपको बता दें कि वर्चुअल मीटिंग के जरिए शपथ ग्रहण कराई गई। बता दें कि सरकार की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से कराने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया, जिसके तहत 9 ब्लॉकों में प्रधानों को शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं बीते 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आ गया था, लेकिन कोरोना की वजह से शपथ ग्रहण में यहां विलंब होता चला गया, जिसके बाद आज क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधानों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से यहां पर 9 ब्लॉक के प्रधानों की ओर से शपथ ग्रहण किया, जिससे सभी अपने गांव में अपना यहां पर काम शुरू कर सके। कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 9 निर्वाचित ग्राम प्रधानों को अध्यक्ष के रूप में, निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में एक भूमिका निभानी है और कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों में जो गठित निगरानी समितियां हैं, उन निगरानी समितियों को एक्टिव करके इस महामारी से निपटने के लिए व्यवस्था ली जाएगी। तो इन्हें छिड़काव का सबके आदेश सब कराएगा, सबका आदेश दिया जाएगा। गांव में जो छिड़काव के लिए नहीं हो पा रहे हैं, गांव में विकास कार्य रुके हुए थे उसके लिए, और ख़ास तौर से कोरोना बीमारी को देखते हुए जो संक्रमित हैं या जो निगरानी समिति की जो टीम बनाई गई है, क्या कर रहे हैं इनके कार्य? नहीं, ग्राम पंचायतों में जो निगरानी समितियां गठित की गई हैं, तो सर किस ग्राम पंचायतों को, जिनकी ग्राम पंचायतों का आज से कब जो है जी साहब, 61 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं उसका शपथ ग्रहण नहीं, 16 ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण नहीं। इसमें कितने ग्राम पंचायत सदस्य जो थे उनका शपथ हुआ और कितने उससे वंचित रह गए? जी, टोटल 989 यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से 768 आज शपथ लिए हैं, वर्चुअल तरीके से लिए हैं, ऑनलाइन तरीके से लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा। उसमें से 211 अभी अवशेष हैं, जिनका बाद में चुनाव, जब चुनाव के द्वारा किसी निर्धारित होगी उसके बाद उनका चुनाव होगा, उसके बाद।